मॉर्निंग बच्चों, आज देखिए हम आज के क्लास में सर्वनाम में जो आपको यूज होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, वह शब्द हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखाया जाएगा। तो आप आपको हेल्प फॉर हेल्प के लिए तो आप यहाँ सर्वनाम में जो आने वाले शब्द हैं तो एक साइड में हिंदी, एक साइड में इंग्लिश में दिखाया जाएगा। तो आप अच्छे से नोट्स करके रख लीजिए और एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए सर्वनाम में पहले हिंदी में अक्षर कौन कौन से रहते हैं, देखिए मैं, हम, तो, और वैसे कुछ शब्द है जो सो ठीक है। तो इसमें इंग्लिश में क्या कर सकती है,
अमोल। समर कुछ सम कौन हु विच क्या व्हाट व्हाट जो हु सो ही देखिए सर्वनाम में इतने आपको हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं जो आपके वाक्य में यूज होते हैं। आपको प्रणाम सर्वनाम में इतने हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं आपको, तो अच्छे से नोट्स कीजिए और व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे क्रिया क्रियाएं वर्ड्स। तो आज हम इस पर अभ्यास करेंगे। इसमें ऐसे बहुत कुछ शब्द आते हैं जो आपको लिखने हैं। देखिए फर्स्ट वन आना जाना लेना देना लिखना पढ़ना बड़ा।
go. Khana. To eat. Pina. To drink. Lena. To take. Dena. To give. Likhna. To write. Padhna. To read. क्रेयॉन में इन्हें क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? To sit. To sit. Next. Jagna. Jagna. To wake up. To wake up. Sona. Sleep. Khona. Khona. Lose. Be. Khojna. Khojna. Find. Find. Gana. बजाना बजना तो बजाना
जैसे लिखाया जाएगा ना वैसे ही लिखिए, गलती मत कीजिए। ये सब क्रियाएं हैं, वर्ब्स आते हैं, वर्ब्स में अच्छे से लिखिए और कंटिन्यू कीजिए। देखना देखना,
देखना, खेलना, हंसना, रोना, चलना, लाना, ब्रिंग, ब्रिंग करना, डू, डू देखना, सी खेलना, प्ले हंसना, स्माइल, रोना, डिप, क्राय, नेक्स्ट, चलना, कम अलोंग, कम अलोंग, देखिए क्रियाएं बहुत होती हैं, इससे ज्यादा है आप उन्हें लिख लीजिए, जैसे जैसे लिखा जाए वैसे वैसे आप सब कैच कीजिए। देखिए बोलना, कहना, सुनना, उगना, उगाना, उगना, डूबना, उड़ना, देखना, लाना, करना, देखना, एक एक आपको पता है, जैसे कि इंग्लिश में जैसे एक बात को एक पद को जैसे कि अलग अलग रूप होते हैं, उन्हें पता है कि देखना, देखना, सी लुक, सी एंड लुक दोनों एक ही होते हैं, खेलना, प्ले, प्ले, हंसना, हंसना, स्माइल, बोलने के, रोना, किप, क्राय, चलना, कम अलोंग, चलाना, ड्राइव, चलना और चलाना में बहुत फर्क होता है, जैसे बैठना, सो सिट, टू सिट, जागना, टू वेक अप, सोना, स्लीप, खोना, लूज बी, खोजना, फाइंड, गाना, सिंग, गिनना, काउंट, गिनना, गिनती करना, गिनना, एक दो तीन चार गिनती करते हैं हम लोग, ऐसे गिनना काउंट कहते हैं, नाचना, डांस, नाचना कैसे कहते हैं, डांस, बजाना, बजाना, जैसे कुछ बाजा बजाते हैं ना, बाजा, तो बजाना ऐसे, तो हर एक शब्द में देखिए इंग्लिश में बहुत ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब निकलते हैं, अलग अलग रूप निकलते हैं, तो ऐसे लिखते जाइए। और भी बहुत सारे ऐसे पद हैं, शब्द हैं जो लिखाने हैं, आप कंटिन्यू करेंगे ना तो अच्छा होगा, हमें और भी शब्द लिखाया जाएगा, अभी आप कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, और शब्द कुछ और शब्द देखेंगे।
खरीदना, नेक्स्ट चाहना, पूछना, नेक्स्ट भेजना, नेक्स्ट सोचना, ठीक है। इन सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए फर्स्ट बरसना, रेन, बारिश, जानना, नॉलेज, नाउ समझना, अंडरस्टैंड, 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 बेचना, सेल, खरीदना, बाय, चाहना, डिजायर, पूछना, आस्क, भेजना, सेंड, भेजना, सेंड, सोचना, थिंक, देखिए कितने शब्द हैं। अभी और बहुत हैं, आपको पूछा जा सकता है इसका अर्थ क्या है। आप इंग्लिश में अथवा कन्नड़ में अनुवाद कीजिए, इसका मतलब पूछा जा सकता है आपको। मैंने ऑलरेडी आपसे सेवन के एग्जाम में भी बताया था, कुछ शब्द दिए थे जो कन्नड़ में कीजिए, कन्नड़ में का पता है मुझे नहीं कहा था, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते थे, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ पे जो दिया जाता है उसे अक्षर में लिखना पड़ता है। कुछ बच्चों ने यह शब्द इंग्लिश में भी लिखे थे, लिख कर भेजा था, लेकिन हेडिंग जो दिया जाता है ना, जिस लैंग्वेज में लिखने के लिए कहा जाता है ना उसी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप पर्टिकुलर कहाँ जाएंगे, आप अंग्रेजी में ही लिखिए तो आपको अंग्रेजी में ही लिखना ही होगा। आपको कन्नड़ में भी आकर लिखना है तो कन्नड़ में लिखिए, तो कन्नड़ में ही लिखना होगा। अभी मैंने आपको इंग्लिश में लिखाया है तो आपको मैं दे सकती हूँ, एग्जाम के तौर पर मैं दे सकती हूँ कि आपको यह क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इसका अर्थ लिखिए, इसका मतलब लिखिए, तो आपको आसान हो जाएगा। या दोनों कक्षा के बच्चों को अवेलेबल हो सकता है, सिक्स और दोनों बच्चों को अवेलेबल हो सकता है, तो अच्छे से नोट्स करके रख लीजिए। और भी कई शब्द भंडार भरा हुआ है ऐसे शब्दों का, जो आपको नेक्स्ट जो वीडियो में आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कौन से शब्द को क्या कहा जाता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने लिखाया है वैसे कंटिन्यू करनी चाहिए, और हाँ अक्षर अच्छे से लिखिए, एक एक लाइन को गैप करके लिखेंगे ना तो भी अच्छा ही होगा, जितना आप नीट से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे ना, साफ सुथरे से लिखेंगे ना, तो आपको यह नोट्स आपको बहुत दिन तक काम आएंगे बच्चों, बहुत दिन तक काम आएंगे। आप अगर प्रिपेयर ऑलरेडी प्रिपेयर होकर अगली कक्षा को जाएंगे ना तो आप आसानी से वहाँ पर कोई भी गुरु जी आपको कुछ भी पूछे या गुरु माता कुछ भी पूछे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। इसीलिए कह रही हूँ आप ऑलरेडी सबके लिए तैयार हो जाइए, और अगली कक्षा के लिए भी और अगली रैंकर के लिए भी। तो आप जो भी दुविधा है आप पूछ सकते हो, कॉल करके पूछिए, आपकी दुविधा दूर कीजिए, स्टडी पर्पज आप कभी भी कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो शंका रहती है वो दूर होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, तो तब तक के लिए आप यहाँ अच्छे से लेकर पढ़ लीजिए। ओके, धन्यवाद।